जय हिंद। आप सभी को मालूम होगा कि पेड़ पौधों का महत्व कितना है और हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं वो पेड़ पौधे, और हम पेड़ पौधों के लिए कितना महत्व रखते हैं। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार से पेड़ पौधे बचा सकते हैं, पेड़ पौधे किस प्रकार से लगा सकते हैं। क्या हम कोई अभियान चलाकर ही घूम घूम कर गाँव गाँव शहर घूम घूम कर ही हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पेड़ पौधों को बचा सकते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम बचा सकते हैं वो तो। लेकिन आज हम देखा जाए तो लोग, कोई भी बड़ा अधिकारी आता है या कोई राजनेता आता है तो जो सरकारी स्थल हैं वहाँ पर आएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, एक फ़ोटो खिंचवाएंगे, अखबार में आ जाएगी फ़ोटो और फिर निकल जाएंगे, फिर उन पेड़ पौधों को कोई नहीं देखेगा। तो हमें क्या करना है, मैं क्या करता हूँ भाई? पहले तो खुद को करना चाहिए, उसके बाद में किसी को कहना चाहिए भाई। खुद ही अगर उस क्षेत्र में सही नहीं हो और आप किसी दूसरे को कहो कि भाई ऐसे करो तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं करता हूँ, पहले मेरा जन्मदिवस गया था अभी 25 फरवरी को, तो मैंने जिस प्रकार से पौधे लगाए, मैं 18 वर्ष का हुआ था तो मैंने 18 पौधे लगाए थे जो मेरी 18 वर्ष की आयु को प्रदर्शित करते हैं। तो आप भी अपने जीवन में किस प्रकार से लगा सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, आपके परिवार में या कोई भी जन्म लेता है तो आप एक पौधा लगा सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। जिस प्रकार से उस बच्चे को पाला जाता है उसी प्रकार उस पौधे को हम पाल सकते हैं। एक पौधा लगाइए, कोई भी जन्म होता है किसी का भी तो एक पौधा लगाइए। आप नहीं लगा सकते तो आप खुद के जन्मदिवस पर तो लगा सकते हैं, एक पौधा लगाइए। या आप जितने उम्र के हो गए हैं, 5 साल के 10 साल के 18 के 20 के, तो आप इतने पौधे लगा सकते हैं, 5 पौधे लगा सकते हैं, जितने भी आप पौधे लगा सकते हैं उतने लगा सकते हैं, लगाइए। इसके बाद में दूसरा, हम जन्मदिवस पर तो लगाएं, लेकिन अगर आप किसी के जन्मदिवस में जा रहे हैं तो आप उसका पसंदीदा पौधा उसे दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, अपने आप को गर्व महसूस होगा। इसके बाद में जो है कि आप शादियों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप एक पौधा दीजिए कि आप भी इस पौधे को खिलाइए पिलाइए और अपनी तरह जिस प्रकार से हम बड़े होते इस पौधे को भी बड़ा कीजिए। अब आता है शादी में हम पौधे का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। आप जब शादी में, आजकल आप देखे होंगे कि शादियों में जो बाराती आते हैं उन्हें पैसे दिया जाता है, 10, 5, 50, 100 जितने भी देते हैं, लोग उनको ले जाते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप उन बारातियों को जो आप स्वागत में या विदाई में आप पैसे देते हो 10, 5 रुपये, उसकी जगह आप उसे एक पौधा दीजिए, हर एक को पौधा दीजिए, अपना नाम रोशन होगा, हमारी प्रकृति बचेगी, हमारा देश बचेगा, स्वच्छता बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हम जन्मदिवस पर, किसी का जन्म होता है तब, या जन्मदिवस पर किसी दूसरे के जन्मदिवस में जा रहे हैं तब, किसी की शादी में जा रहे हैं तो उसे गिफ्ट में हम तोहफा में दे सकते हैं। और जन्मदिवस, जन्म जो शादी हो रही है मान लीजिए, तो उसमें बारातियों को दे सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने देश को स्वच्छ बना सकते हैं, पेड़ पौधे लगाकर प्रकृति को बचा सकते हैं। और साथ ही साथ अब जो बताने जा रहा हूँ कि मैं किसी को पहले बताता हूँ तो उसे खुद करता हूँ, तो मैं अभी आपको यहाँ पे एक क्लिप मिलेगी बाद में वीडियो की, उसमें आप देखेंगे कि उसमें मैं पौधे लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया और पौधे लगाए नहीं, आपको बोल दिया कि पौधे लगाइए लेकिन खुद किया नहीं, पहले मैंने खुद नहीं किया है, उसके बाद में आपको बताएंगे। तो पेड़ पौधों को बचाइए, क्योंकि आपने सुना होगा संस्कृत में वो तरवर फल नहीं खात है, कि पेड़ पौधे अपना फल खुद नहीं खाते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए ही आप पेड़ पौधे हमको फल देते हैं। तो आप भी इस प्रकार से प्रकृति को बचा सकते हैं। तो इतना ही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। प्रकृति को स्वच्छ बनाइए, हम खुद स्वच्छ रहेंगे।